Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, thank you. We would like to thank you on behalf of Board of Directors of Al-Qasr for your continuous support through Q1 2021. We would also like to thank you for your help in making sure that a young man, Dilawar, who has now prosthetic legs, he and his parents will forever remember you in their du'as. This is the best form of sadaqa jariyah. The patient is currently receiving post-surgery medical care in Islamabad and soon will be able to walk on his own feet. At the same time, Allah has given us another opportunity to help a person in need. This time it's a 4-year-old boy. Al-Qasr has just received a request for a boy who cannot hear or speak. His hearing impairment has affected his speech ability. This boy needs immediate surgery to restore his hearing, and gradually he will be able to develop his speech. The good news is that the surgery is still possible. The amount required for the surgery is 3.5 million rupees or 35 lakh rupees or $22,000, $10,000 of which has already been arranged. What we are trying to arrange is $12,000 for this boy, this baby, this kid. The surgery has to happen before he is 5. Now think about, just imagine the plight of the parents seeing their helpless child while his entire life is in front of him. So please donate generously in this holy month. You can donate sadqa, zakat, and khums for this purpose. May Allah accept your deed. Now let's hear from the father himself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Muzaffar Hussain and I am from Karachi, Pakistan. आप लोगों को इस वॉइस नोट के ज़रिए ज़हमत इसलिए दे रहा हूँ कि मैं अपनी एक आजमाइश आपके साथ शेयर कर सकूँ कि शायद परवरदिगार आलम को सबब बना दे। अहवाल यह है ब्रदर्स कि मेरा एक 4 साल का बेटा है और ये बेटा मुझे परवरदिगार आलम ने 19 साल के सब्र के बाद इनायत किया है, लेकिन उसके साथ एक अटैचमेंट ये रख दी है कि वो सुन नहीं सकता, वो अपने कुदरती समाज से महरूम है, जिसके लिए मैं बहुत तकलीफ़ से गुजर रहा हूँ। और इसका वाहिद जो इलाज है पाकिस्तान में वो है कोक्लियर इम्प्लांट, जो कराची में एंडस हॉस्पिटल और आखान हॉस्पिटल में होता है। लेकिन प्रॉब्लम ब्रदर्स ये है कि मेरी इस्तेदाद इतनी नहीं है कि मैं इस महंगे ऑपरेशन के अखराजात को बर्दाश्त कर सकूं। इसकी कॉस्ट पाकिस्तान में तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 3.5 मिलियन है, डिवाइस, पोस्ट डे, पोस्ट सर्जरी, डे केयर और सर्जन की फ़ीस वगैरह मिला के। लेकिन परवरदिगार आलम ने मुझे एक नेमत मुझे इस सीरत से ही अता कर दी कि यहाँ पे पाकिस्तान में जो साहब इसको इम्पोर्ट करते हैं कि उन्होंने इस 3.5 मिलियन की कॉस्ट को कट डाउन करके 2 मिलियन कर दिया है। और इस 2 मिलियन में भी मेरे पास तकरीबन, मैंने अपने पर्सनली 5 लाख रुपए अरेंज कर लिए हैं। 1.5 लाख का तकरीबन ये बैकलॉग है जो मुझे हिंडर कर रहा है मेरे बच्चे की सर्जरी के लिए, और मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है क्योंकि मुझे 5 साल से पहले ये सर्जरी करवा लेनी है और उसके बाद 5 साल के बाद इस सर्जरी के रिज़ल्ट अच्छे नहीं आएंगे। जितनी जल्दी करवाऊँगा उतनी ज़्यादा मेरे बच्चे की मेन स्ट्रीम स्कूलिंग और मेन स्ट्रीम लाइफ जो है वो नॉर्मलाइज हो सकती है। अब तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस आजमाइश में अपने ताबून से मेरी इस बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मेरी मदद कर दीजिए। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू गाइस। परवरदिगार आलम आपको आपके बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब करे मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े से। आपको बहुत दुआएँ ही दे सकता हूँ मैं, और परवरदिगार आलम से गुजारिश यही है कि वो कोई ऐसा सबब बनाते कि जिससे मैं इस आजमाइश के दौर से आप लोगों की ताबून से आसानी से गुजर जाऊँ। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।